हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये अब सुबह सुबह का टाइम है। घर में झाड़ू पोछा बर्तन सब काम करके उसके बाद ये घास थोड़ा बड़ा उग गया था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो सोचे पहले इसको हम साफ़ करके तब भी नहाना धोना काम करेंगे, फिर इसको साफ़ करेंगे। कहीं थोड़ा साफ़ करते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद फिर उग जाता है, थोड़ा साफ़ करते हैं, क्योंकि एक साथ तो कर नहीं पाते। नहीं, हमारे शरीर में क्षमता नहीं, ताकत नहीं कि हम एक साथ सारा साफ़ करें। आप सभी लोग देखते ही होंगे, हम थोड़ा थोड़ा ही कर पाते हैं, जितनी मुझे शरीर में क्षमता है। मन तो बहुत करता है कि एक साथ पूरा साफ़ कर दें, अच्छे साफ़ हो जाए। बाहर हम लोग के यहाँ द्वारा बोलते हैं, बाहर जो है साफ़ हो जाता द्वारा तो अच्छा लगता है, लेकिन उतना कर नहीं मिलता, थोड़ा थोड़ा ही कर पाते हैं। इधर करते हैं तो कुछ दिन के बाद फिर जब तक करेंगे तब तक फिर उधर हो जाता है। तो ये सब हम लोग का मेहनत है, ये सब करते रहते हैं, इसे दिन बीतता है। ये सब कर, खाना बनाओ, साफ़ सफाई करो, घर के आसपास बाहर खेत का ये सब देखना रहता है। ये सब करते हैं, जो करते हैं वही आप सभी को दिखाते हैं। कुछ काम जो है सूट कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, घास जब काटे तो गाय को याद आती है। गाय रहती थी, तुरंत ले जाते थे, खाती थी, वो हमको देखती रहती थी। जब तक हम घास काटते थे उनके पास ले नहीं जाते थे खाने नहीं पाए, तब तक हमको देखती रह जाती थी। वही याद, पुरानी यादें आ जाती है जब भी घास काटते हैं। और इधर काटते तो उधर बड़ा हो जाता, वो रहती थी, बड़ा होने ही नहीं पाता था। ये मन करता जब भी टाइम पाते थे काट के अपनी गाय को खिलाते थे। तो घास वाला काम ख़त्म हो, इकट्ठा कर दिया, सूख जाएगा, फिर इधर हसिया हाथ पैर धुल लेते हैं, उसके बाद नहाना धोना करने के बाद फिर उनको बनानी है खाना। ये लोग रोटी रखा हुआ तो आके खा रहे हैं। इधर दोस्तों हम बनाएंगे आज कढ़ी चावल रोटी खाने में। नाश्ता वास्ता हो गया है, फिर खाना बना रहे हैं। खाने में एक बेसन हल्दी नमक मिला के बेसन फेंट लिए हैं। फेंटने के बाद सरसों के तेल में इस तरह बना ले रहे हैं पकौड़ी। तो पकौड़ी जब फूल जाती है तभी कढ़ी में अच्छी लगती है, तभी मुलायम लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो फूल रही है, अब निकाल लेते हैं उसका बेसन। हम पानी में घोले हुए हैं दोस्तों, कुछ लोग तो दही में बनाते हैं, लेकिन हमारे घर में पूरी फैमिली जो है दही वाला कम पसंद करते हैं, इसलिए हम पानी में ही कढ़ी बनाते हैं। बेसन घोल लेते हैं और तभी कढ़ी बनाते, फिर भी बहुत टेस्टी होता है। एक बार जब आप ट्राई कीजिएगा ना। और फिर हम खट्टा की जगह पे हम नींबू निचोड़ देते हैं, नींबू से भी खट्टा हो जाता है और ये सब हम लोग को अच्छा लगता है, बहुत पसंद होता है। तो ये सब बनाते हैं, ये सब आप सभी को वीडियो में दिखा रहे हैं। वीडियो आप सभी को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पकौड़ी तल लिए अच्छे से, गोल्डन ब्राउन जब हो जाता तब कढ़ी अच्छी लगती, टेस्टी लगती, सूंधापन आ जाता है कढ़ी में, तभी अच्छी लगती है। तो हम मेथी ही करी पत्ती एक सब तड़का में छोड़ेंगे, हल्का सा भून लिया, फिर हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्चा पाउडर, नमक, ज़्यादा मसाला नहीं यूज करते हैं हम, थोड़ा सा मसाले में बनाते हैं। जो सब आप सबके घर में पसंद हो सभी को, उसी चीज़ से हम लोग को खाना बनाते हैं, जिससे कि पूरी पर फैमिली अच्छे से खाएं, खुश रहें। हम लोग का ही काम है कि खाना बनाना है, सब लोग खाएं, खुश रहें। सबको पसंद का खाना हम सबको बनाना पड़ता है। तो थोड़ा सा और पानी डाल दिए हैं, जितना मोटा पतला आप सभी को चाहिए उस हिसाब से पानी डालिए और ढक के पका लीजिए। फिर अब डालते हैं नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल दिए हैं। दोस्तों आज छोटा सा ब्लॉग है, इसके लिए सॉरी, माफ़ कीजिएगा। कोशिश करेंगे और अच्छी से अच्छी वीडियो आप सभी तक शेयर करेंगे। आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा, आशा करती हूँ अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा प्लीज़।